क्लास थर्ड चैप्टर पीवीएस चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। यहां पे टू कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी। फर्स्ट इज रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन होती है बारिश, जो बारिश है वो हमारा जो वाटर का मेन सोर्स है, फर्स्ट मेन सोर्स है। ठीक है, मेन सोर्स। आंसर इज रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन क्या है? वाटर का फर्स्ट मेन सोर्स है। ठीक है, सेकंड इज क्लाउड्स। जो क्लाउड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं। तो आंसर इज क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। थर्ड वेजिटेशन। जो हमारी फसल होती है वो टोटली डिपेंड होती है रेन वाटर से। अगर बारिश का पानी नहीं होगा तो क्या होगा, जो वेजिटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फोर्थ इज रेनबो। आपने आसमान में बारिश के बाद देखा होगा कि रेनबो बनता है, और रेनबो में कितने कलर होते हैं? रेनबो है 7 कलर्स। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। फिफ्थ इज थंडर। आपने जब बारिश होती है तो आपने बिजली की गरजने की आवाज़ सुनते होंगे, तूफान आंधी तूफान की आवाज़। तो वो इसका मेन कॉजेस क्या है? लाइटनिंग। जब बिजली होती है तो वो क्या करती है? गरजती है, और तूफान और आंधी तूफान आता है। तो आपने ये कॉलम में मैच करने, आपने इसको इसके सामने आंसर राइट करना है।